सिराज हत्याकांड की कहानी क्या है, आज वो तमाम कहानी दिखाने आपको आए हैं और कहां से इस हत्या की शुरुआत की गई थी। कहानी जो कहां से है वो पूरी तस्वीर दिखती है, जो उन्हें उनके घर टड़वा लेकर के गए थे। दरअसल सिराज जो है अपने खाला के घर इसी बाउंड्री के अंदर में एक रूम है, जिस रूम से इस व्यक्ति ने यानी कि इमरान ने उन्हें ई रिक्शा पे बैठा करके और सेखू ई रिक्शा पे बैठा करके और उनके घर ले गए। उनका दम कब निकला था और पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी बताइएगा। विवाद था, जमीन के कारोबारी थे सिराज खान, और देखिए बहुत लंबे समय से जमीन का कारोबार कर रहे थे। जमीनी कारोबार में ही नोकझोंक हुई थी और उसके बाद एक संयंत्र रचा गया और उन्हें फायर चलाया, तो दूसरा फायर में हम लोग दौड़ के आए तो देखे कि सिराज भैया का बॉडी वहाँ पे गिरा हुआ है और वो हमारे तरफ पिस्टल लोड करके हम लोग के तरफ भिराया। अभीरा के वो तीनों चारों इसी रूम से जब गोली की आवाज आती है तो इसी रूम में इमरान पहुंचते हैं, सेखू पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है इस रूम से, हालांकि नेम्ड एफआईआर के लिए इन लोगों ने जो आवेदन दिया है उस आवेदन में नवाबुल पिंटू बटला जो मिसकार टोली सिवान सराय में रहने वाला है उसका नाम इन लोगों ने दिया है, निहाल का नाम दिया है और सेखू को पुलिस ने अभी भी हिरासत। सवाल यह है कि इमरान और सेखू उस व्यक्ति को उसके घर क्यों ले गए, अस्पताल क्यों नहीं। सिराज की खाला है, इनसे जानने की कोशिश, सेखू के नाम आप ले रही थी, बहुत ज्यादा सेखू कर रही थी, सेखू का क्या इसमें मामला है। सेखू का मामला इस है कि सिराज और सेखू एकदम जिगरी दोस्त था, घर वाले को कोई इन्फॉर्म नहीं दिया कि घर वाला टाइम से। सिराज हत्याकांड की कहानी क्या है, आज वो तमाम कहानी दिखाने आपको आए हैं और कहां से इस हत्या की शुरुआत की गई थी। कहानी जो कहां से है वो पूरी तस्वीर दिखाने आए हैं। देखिए सिवान के राजा नगर में है जो डीएवी सेंचुरी का एरिया, एक बार तस्वीर दिखाइए, ये ईदगाह है। तमाम जो सिवान शहर के लोग हैं इसी ईदगाह में नमाज पढ़ने आते हैं, ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आते हैं। और हत्या जहां हुई थी यही वो घर है और यहां चलेंगे अंदर और दिखाएंगे कि कहां से उसकी बॉडी बरामद की गई, क्या की गई। जो लोग उनके अगल बगल के लोग उनके घर तक लेकर के गए थे, यही व्यक्ति है जो उन्हें उनके घर टड़वा लेकर के गए थे। दरअसल सिराज जो है अपने खाला के घर रहा करते थे शहर में ही, लेकिन उनका जो पुश्तैनी घर है वो पुश्तैनी घर सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वा गांव में है। और यह बताया जाता है कि बचपन से ही वो अपने खाला के घर रहा करते थे और उनके साथ रहने वाले जो मित्र हैं वो मित्र भी उन्हें डेली शाम में ले जाकर के टड़वा छोड़ते थे। लेकिन पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया, उन दोनों लोगों का नाम मेरे हाथ में है, देखिए इमरान और सेखू। इमरान को पुलिस ने 3 दिनों तक हिरासत में रखा, पूछताछ की और यह मामला कहां से हुआ वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। एक बार तस्वीर दिखाइए, इसी बाउंड्री के अंदर में एक रूम है जिस रूम से इस व्यक्ति ने यानी कि इमरान ने उन्हें ई रिक्शा पे बैठा करके और सेखू ई रिक्शा पे बैठा करके और उनके घर ले गए। उनका दम कब निकला था और पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी बताइएगा। आइए अंदर चलते हैं और दिखाएंगे कि यही वो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो है कि उनकी उन्हें गोली मारी जाती है और गोली मारने के बाद देखिए ये तमाम तस्वीरें हमने उस दिन भी दिखाई थी कि गोली मारने के बाद उनके सीने पे जरा सा भी खून का धब्बा नहीं था, क्योंकि वो सोची समझी साजिश थी इसलिए है। तो गोली लगने के बाद खून जो है वो बहुत ज्यादा निकलता है, गोली यहां से लगी और पोस्टमार्टम में गोली जो है वो कमर के पीछे से निकलती है, यानी कि खून तो निकला ही होगा लेकिन जो अपराधी थे वो बहुत ही शातिर दिमाग के थे और उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से पोछपाछ के साफ कर चुका था और उसके बाद उसे लेकर के उसके गांव टड़वा पहुंचते हैं। पूरी कहानी क्या है और इसी रूम से आप लोग उन्हें लेकर के निकले थे, क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। पहले वो लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे और हम लोग बाहर थे, तो बातें करते करते वो पिंटू बाटला गोली चलाया, पहले फायर किया करकट पे। तो ये कैसे मालूम चला कि वही गोली चलाया है? हम लोग वहाँ पे थे सर। अच्छा, बाहर में जी। आप और सेखू? हम सेखू अमजन। हाँ। और उसके बाद दूसरा फायर चलाया, तो दूसरा फायर में हम लोग दौड़ के आए तो देखे कि सिराज भैया का बॉडी वहाँ पे गिरा हुआ है और वो हमारे तरफ पिस्टल लोड करके हम लोग के तरफ भिराया, अभिरा के वो तीनों चारों भाग गया। कौन कौन थे? नवाबुल, पिंटू, निहाल और बिलाल। बिलाल और निहाल, ये चार लोग थे। देखिए ये चार लोग है, हालांकि नेम्ड एफआईआर के लिए इन लोगों ने जो आवेदन दिया है उस आवेदन में नवाबुल पिंटू बटला जो मिसकार टोली सिवान सराय में रहने वाला है उसका नाम इन लोगों ने दिया है, निहाल का नाम दिया है और सेखू को पुलिस ने अभी भी हिरासत में रखा है, सेखू का नाम दर्ज है। देखिए इसी रूम से जब गोली की आवाज आती है तो इसी रूम में इमरान पहुंचते हैं, सेखू पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है इस रूम से उस व्यक्ति को निकालते हैं। हालांकि जैसे ये लोग इस रूम में पहुंचते हैं तो तुरंत जो है कि इन लोगों के ऊपर पिंटू जो है वो पिस्टल तान देता है और सेखू और इमरान जो है वो सहम से जाते हैं और यहां से बहुत ही आसानी से नवाबुल
पिंटू बटला, बेलाल और निहाल जो है वो आसानी से यहां से फरार होने की कोशिश में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, उनकी बाइक चालू नहीं हो पाती है, फिर वो पैदल भागते हैं यहां से। भागे वो लोग, पहले बाइक चालू किया, बाइक चालू नहीं हुआ तो हम लोग पीछा किए तो पिस्टल लोड किया सब, और पिस्टल लोड करने के बाद भिरा के वो भाग गया सब पैदल। देखिए ये चारों लोग जब यहां से भाग जाते हैं तो इमरान और शेखू उन्हें ई रिक्शा पे लेकर के उनके घर जाते हैं। ये बताइए उनका जो सांस चल रहा था वो कब तक चला, कहां तक चला था? सांस 5 मिनट तक चला, वहां तक हम लोग लेकर गए, वहां तक सांस चला, उसके बाद। लेकिन सवाल यह है कि इमरान और शेखू उस व्यक्ति को उसके घर क्यों ले गए, अस्पताल क्यों नहीं ले गए? क्योंकि यहाँ पे उनका डेथ हो गया। तो इसकी पुष्टि आप कैसे कर सकते थे कि आप उनके घर लेकर के चले गए कि वो डेथ हो गया? आपको तो अस्पताल ले जाना चाहिए, लोग ये सवाल कर रहे हैं। नहीं तो हम बोले और ड्राइवर भी बोला ई रिक्शा का कि इनको अस्पताल लेके चलो, लेकिन शेखू बोले कि नहीं अब इसका डेथ हो गया, इसके घर टारवा लेके चलते। हम लोग बहुत बोले लेकिन शेखू बोले कि नहीं टारवा। अच्छा, इस घटना के बाद तुरंत आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी या नहीं? नहीं, हम लोग टारवा गए लोग, तो टारवा से ये लोग हॉस्पिटल लेके गया लोग, तो हमको गांव वाला पकड़ के मुफस्सिल। देखिए अब ये कहानी आपको बताते हैं, लगभग गोली चलने के 1.5 घंटे बाद तक हमने सदर अस्पताल में इंतजार किया, लेकिन सदर अस्पताल नहीं ले जाया गया। और सदर अस्पताल नहीं ले जाने का कारण क्या था, इस पे भी लोग सवाल उठा रहे थे। और यही इमरान है और शेखू जो अभी पुलिस के हिरासत में है, इमरान उन्हें अपने टरवा गांव पहुंचाते हैं, उनके घर पे पहुंचाते हैं और वहां से ये पैदल निकल जाते हैं। गांव वाले जब स्थानीय लोगों के सहयोग से जब सिराज को ऑटो में लेकर के सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था तो टरवा गांव के रोड पर ये मिलते हैं, इन पे शक होती है लोगों को और लोग इसे उठा करके तुरंत मुफस्सिल थाने में देते हैं। मुफस्सिल थाने में ये भी हिरासत में थे, हालांकि पुलिस ने इनसे पूछताछ करने के बाद छोड़ दी है। लेकिन शेखू जो है, जिस व्यक्ति ने सदर अस्पताल से पुलिस को पूरी नाम बताई और उस शेखू को सदर SDPO जो है उन्होंने, अजय कुमार सिंह जो है उन्होंने गाड़ी में लेकर छापेमारी के लिए निकला और छापेमारी के दौरान ही उसे भी अरेस्ट कर लिया गया, उसे भी हिरासत में रखा गया है। अभी आगे क्या कुछ होता है बहुत बड़ा खुलासा होगा। शेखू की खाला है, इनसे जानने सिराज की खाला है, इनसे जानने की कोशिश। शेखू की नाम आप ले रही थी, बहुत ज्यादा शेखू शेखू कर रही थी, शेखू का क्या इसमें मामला है? शेखू का मामला इस है कि सिराज और शेखू एकदम जिगरी दोस्त था, दोनों मेरे घर पोसाया पलाया था, दोनों को हम देख रेख कर रहे थे, ठीक है। मेरा हस्बैंड 10 साल पहले डेट कर गए थे विदेश में, दोनों को हम अपने सागा बेटा जैसा मान जान कर रहे थे, दोनों को अच्छे हम परवरिश कर रहे थे। शेखू को हमको यही गुस्सा आ रहा है कि तुम कैसे अपने दोस्त को मरते हुए छोड़कर अब बाहर खड़ा हो गया गुंडे के पास। इसीलिए शेखू को हम चिल्ला चिल्ला सदर अस्पताल में उसको नाम ले रहे थे कि तुम कैसा दोस्त हो, तुमको अपने हम हाथ से ताजा ताजा खाना बना के खिलाए हैं। लेकिन इमरान तो कह रहा है कि जब गोली चली तो वो लोग बाहर थे, जैसे अंदर आए तो ये लोग हाथ में इनके कुछ नहीं था और जो व्यक्ति थे यानी कि नवाबुल, पिंटू, बिलाल और निहाल जो है पिस्टल तान दिए। तो फिर ये लोग क्या करते उस वक्त? नहीं, मेरे कहने का मतलब उसको ईंटा से मार के दौड़ाते, फोन करते मेरे पास कि जल्दी आओ, घर वाला को कोई इन्फॉर्म नहीं दिया कि घर वाला टाइम से पहुंचे। घर वाले को कोई इन्फॉर्म नहीं दिया और सिराज को जो है कि टड़वा लेकर के पहुंच गया। क्या इसमें जो है कि शेखू का भी हाथ लग रहा है क्या कुछ? ये हम नहीं बता सकते हैं कि शेखू का हाथ है या नहीं, ऊपर वाला जानते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं शेखू के बारे में। अब उसको दिल जाने या ऊपर वाला जाने कि शेखू का हाथ है या नहीं है, शेखू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही हम मांग करते हैं कि मेरे बेटा को फैसला सही करे, जो भी डिसीजन ले सही फैसला करे। अगर जो सही फैसला नहीं लेगा जिला प्रशासन तो हम पटना हाई कोर्ट जाएंगे, पटना हाई कोर्ट नहीं न्याय दिला तो हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, मगर हार नहीं मानेंगे। ये बताइए कि ये नवाबुल, पिंटू, बिलाल, निहाल का क्या मामला था, क्या मामला था कि गोली चली यहां? नवाबुल धोखे से मेरे बेटा को बुलाया है। किस लिए नवाबुल बुलाया? ऐसे उसको ढेर दिन से पलानी था, पहले से नोकझोक था या उसका दिल में कोई भी कुछ भी? किस चीज का नोकझोक था? जमीन का कारोबारी थे ना ये? जमीन के कारोबारी से, जमीन के कारोबारी से नोकझोक हुआ था, नोकझोक हुआ, धोखा से मेरे बेटे को बुलाया है, अब बुला के आई काम किया है। चलिए तो सिवान के उसी जगह पे है सिराज हत्याकांड का जो पूरी कहानी रची गई थी, जो पूरी कहानी जहां से हुई थी उसी जगह पे है सिवान का, ये DAV का एरिया माना जाता है और बगल में ही लगभग 5 मीटर की दूरी पे इस बाउंड्री के बगल में ही ईदगाह है, सिवान ईदगाह, जहां सिवान शहर के लोग नमाज पढ़ने, ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आते हैं, उसी जगह की ये तस्वीर है। दिखाइए इसी रूम से जो है कि इमरान और शेखू उस व्यक्ति को निकालते हैं और निकालने के बाद टरवा लेकर के जाते हैं। लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि आखिर शेखू टरवा क्यों ले गया, शेखू की क्या संलिप्तता है, तो इस पे अब पुलिस जांच कर रही है। शेखू जो है वो पुलिस के हिरासत में है। पूरी कहानी एक बार हम आपको बता देते हैं, जमीनी विवाद था, जमीन के कारोबारी थे सिराज खान। और देखिए
बहुत लंबे समय से जमीन का कारोबार कर रहे थे। जमीनी कारोबार में ही नोकझोंक हुई थी और उसके बाद एक संयंत्र रचा गया और उन्हें बुलाया गया सिवान के ईदगाह के पास, और ईदगाह के पास इसी कमरे में उन्हें बुलाया गया और चार लोग इस कमरे में मौजूद थे, जिस तरह जो है कि चश्मदीद गवाह जो है इन लोगों ने जो बात बताई है, इमरान जो देखा है, इमरान ने बताया है, शेखू से भी जब पुलिस के हिरासत से वो बाहर आएगा या फिर उस पर क्या कुछ होता है उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसी कमरे में बैठते हैं, चार लोग होते हैं, नवाबुल होते हैं, पिंटू बटला होता है, बिलाल होता है और निहाल होता है। ये चार व्यक्ति इसी कमरे में बैठते हुए और अंदर गोली की आवाज जब होती है तो इमरान और शेखू बाहर से दौड़े दौड़े जब इस कमरे में आते हैं तो इनके ऊपर ये चारों व्यक्ति जो है वो पिस्टल तान देते हैं। क्या चारों व्यक्ति के हाथ में पिस्टल था? चारों के पास पिस्टल था। चारों व्यक्ति जो है वो पिस्टल तान देते हैं और उसके बाद वो यहां से आसानी से भाग निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं बाउंड्री के, बाइक चालू नहीं होती है तो वो पैदल यहां से भाग जाते हैं। उसके बाद शेखू और इमरान जो है ये दोनों सिराज को जब इस रूम से बाहर निकालते हैं और उसकी सांस जब बंद हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसे लेकर के टड़वा पहुंचते हैं और फिर वहां से पूरी कहानी शुरू होती है। और कैसे जब सदर अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां शेखू को पुलिस बहुत ही आसानी से पकड़ती है और अपनी गाड़ी में बैठाती है, छापेमारी के लिए निकलती है, लेकिन कुछ देर बाद यह सूचना मिलती है कि शेखू का भी इसमें हाथ है और शेखू को पुलिस हिरासत में रखी है। हालांकि सिराज की खाला से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा है कि जो उचित कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, न्याय नहीं मिलता है, तो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये पूरी कहानी आपने सुन ली, हत्याकांड का क्या मामला था, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।